बोलो मामा। वो नहीं बेटा, मामा बोलो, मामा। ये भाई के लिए तुम्हारा प्यार है, इसे मजबूर क्यों कर रही हो? ये तो ठीक से माँ भी नहीं बोल सकता, तो फिर ये मामा कैसे बोलेगा? हाँ हाँ, अगर मेरा भाई हमारी शादी के लिए मदद नहीं करता ना, तो हमारी शादी नहीं होती, और ना ही मैं आपकी पत्नी होती, और ना ही आपका बेटा। अच्छा, तुम्हारे भाई की आर्मी में पोस्टिंग कब होगी? नेक्स्ट वीक ही होगी, वो भी राजस्थान में। तो मैडम के पिता शादी के खिलाफ थे? कास्ट प्रॉब्लम? नहीं। तो फिर जायदाद का प्रॉब्लम होगा मैडम? ऐसी बात नहीं है। तो फिर और क्या मैडम? हमारी कुंडली नहीं मिल रही थी, और अगर हमने शादी कर ली तो जब हमारा बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो हम दोनों की मौत हो जाएगी, इसलिए पिताजी शादी के खिलाफ थे। समझ गया मैडम, आपका बेटा 1 साल का हो गया है और अभी तक कोई भी अशुभ कार्य नहीं हुआ है, यही बताने के लिए आप अपने पिता के पास जा रही हैं, है ना मैडम? 100% यही बात है, लेकिन ये अभी तक 1 साल का नहीं हुआ है। ओ, अभी तक नहीं हुआ? कल ही इसका पहला जन्मदिन है। ओहो, कल है क्या? बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हम क्या करें? रुक जाओ। इस तरह के विवाह से पैदा हुए बच्चे की कोई उचित कुंडली नहीं होगी। मैं इसका साया भी अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगा। हम बच्चे को अनाथ की तरह कैसे छोड़ सकते हैं बताइए? बात उसे छोड़ने की नहीं, उससे हमेशा छुटकारा पाने की हो रही है। उसे उसके दादा दादी के हवाले कर दो। है, शवों की अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अब चलो। बच्चे को मत छुओ, ये उसकी कुंडली में। पापा, आप मानते हैं कि हमारे भाग्य को लिखने की शक्ति भगवान के पास है, लेकिन उस भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति इंसान के प्यार में है, ऐसा मैं मानता हूं। ये मेरा भांजा है और ये मेरे साथ रहेगा, फिर चाहे इसमें आपकी अनुमति हो या ना हो। शादी के समारोह के दौरान सेंट पीटर्स चर्च में आतंकवादी हमले में मृतकों की कुल संख्या 46 पहुंच चुकी है। लश्करे मोहम्मद नाम के आतंकवादी समूह ने चेतावनी जारी की है कि इस तरह का एक और हमला हो सकता है।
कश्मीर के सभी हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और शहर के सभी मार्गों पर नाकाबंदी कर दी गई है। सुरक्षा टीमों को आदेश दिया गया है कि अगर शहर में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। ये मिलिट्री लोगों का एरिया है, गोली मार देंगे। I'll interrogate him and report you by evening, sir. Okay, sir. क्या उसने कुछ बताया? वो साउथ से है, सर। दो घंटे इंटरोगेट करने के बाद इतना ही जान पाए? उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं सर। आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी सर। आर्मी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में तुम क्यों घुसे? और ये मैप तुम्हारे पास कैसे है? और तुमने सारी आर्मी लोकेशंस को क्यों मार्क किया है? तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट क्या है सर? यह मेरा भांजा है सर, मैं इसी को लेने यहां पर आया हूं। तुम्हारे भांजे का इस मैप से क्या संबंध है? वो यहीं पर मिलिट्री में है सर। नाम? कार्तिक, कार्तिक शिवराम। कौन सी यूनिट? पता नहीं सर। कौन सा रेजिमेंट? पता नहीं। रैंक क्या है? अगर मुझे बता कर आया होता तो मुझे पता होता ना सर। आज 3 साल हो गए हैं उसकी शक्ल को देखे हुए। गॉट इट। तो तुम मिलिट्री एरिया के सारे लोकेशंस मार्क करके यहाँ आए हो और हर जगह उसे ढूंढ रहे हो? हाँ सर। बेवकूफ समझते हो क्या? सर, ये बहुत डरे हुए हैं सर। इसकी आंखों में डर दिख रहा है तुम्हें? कौन है इसका भांजा? वो बिना किसी को बताया आर्मी में क्यों आया और ये 3 साल बाद उसे क्यों ढूंढ रहा है? मुझे ये सारी डिटेल्स चाहिए। रिकॉर्ड द स्टेटमेंट।